ट्रैफिक तो बात कर, एसपी ट्रैफिक तो बात कर, जो जय माता दी। अच्छा अच्छा कर रहा है, फोन कर हमारी बात। नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी का है। ये पिंकी एक धार्मिक स्टिकर लगा करके गाड़ी चला रहा था, जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने इनका चालान काटा, तब किस तरह से इन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले से बदतमीजी की है, ये छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें आप लोगों ने ये चीजें देख ली। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आज ये हिंदू संगठन हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से लगातार समाज में अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर आ रही है अतीक और अशरफ को, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में खत्म कर दिया गया। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं वो सुन करके आप सन्न रह जाएंगे। जिस तरह से अतीक और अशरफ को खत्म किया गया, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं थी, यानी कि अतीक और अशरफ वाले मामले में पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगी सरकार की तरफ से कही गई है। इसके पीछे कुछ और तर्क भी दिए गए हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोग गौर से देखिए और समझिए कि आज हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से तमाम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ट्रैफिक कानूनों के जो है परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। धार्मिक स्टीकर लगा करके पहले तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए ये नेता गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद जब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इनका चालान काटता है तो ये उसके ही ऊपर किस तरह से रिवर्स हो जाते हैं, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। आपके पास एक आदेश आया होगा पीछे से व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको मैं दिखा दूं। आपको आदेश भाई, एसपी ट्रैफिक तो बात कर, एसपी ट्रैफिक तो बात कर, जो जय माता दी। अच्छा अच्छा कर रहा है, फोन कर हमारी बात, फोन कर, फोन करता हूँ ना, तू इंस्पेक्टर को बुला, तू किसी को बुला, जो कह रहा है वो सुन भैया। चाहिए जय माता दी, मैं कैसे कर दिया ये माने योगी, अरे योगी को बुला। आपके पास एक आदेश आया होगा पीछे से व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको मैं दिखा दूं। आपको आदेश भाई, एसपी ट्रैफिक तो बात कर, एसपी ट्रैफिक तो बात कर, जो जय माता दी। अच्छा अच्छा कर रहा है, फोन कर हमारी बात, फोन कर, फोन करता हूँ ना, तू इंस्पेक्टर को बुला, तू किसी को बुला, जो कह रहा है मैं वो सुन भैया। चाहिए जय माता दी, मैं कैसे कर दिया ये माने योगी, अरे योगी को बुला। आपके पास एक आदेश आया होगा पीछे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो अभिषेक नामक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है और इसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी ने धार्मिक स्टिकर लगी गाड़ी का चालान करने पर ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी की है। वीडियो रिकॉर्ड करने पर फोन पर भी इन्होंने मतलब जो है उसको छीनने की कोशिश की है, फोन पर भी ये लोग झपटे, लेकिन गनीमत है कि ट्रैफिक पुलिस वाला चालाकी के साथ उसने अपने फोन को सिक्योर कर लिया और उस फोन के अंदर ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं जो आप लोगों ने देख ली हैं। अब आप बताइए, धर्म के नाम पर क्या कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या कानून के हिसाब से मतलब जो है हिंदू आदि संगठन नहीं चलेंगे और ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे, हिंदुत्व के नाम पर मतलब कुछ भी करेंगे? ये लगातार लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है, अतीक और अशरफ वाले कांड पर सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने जो तर्क दिया है वो सुनकर के आप चौंक जाएंगे। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, अतीक अहमद
और अशरफ वाला जो कांड हुआ था इस पर पुलिस की कोई गलती नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जिस तरह से जो है पुलिस कस्टडी में खत्म किया गया उसमें पुलिस की कोई गलती नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा है कि उसने अतीक अहमद सहित 7 कथित फर्जी मतलब जो है मुठभेड़ की जांच की और निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं थी। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ को प्रयागराज में एक अस्पताल के बाहर पुलिस हिरासत में बदमाशों ने पत्रकार के भेष में आकर के किस तरह से खत्म किया था यह आप लोगों ने तमाम वीडियो के जरिए से और लाइव मतलब जो है मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में चैनलों पर प्रसारण चला जा रहा उसमें देखा होगा। अब इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजों की जानकारी योगी सरकार को देनी थी तो सरकार ने क्या कुछ कह दिया है ये खबर आपके सामने है और ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। लगातार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, ये कहा जा रहा था कि इतनी ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी कुछ लोग मीडिया के भेष में आते हैं और अतीक और अशरफ को खत्म करके और सरेंडर भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी आज पुलिस वालों के ऊपर से ये इल्जाम योगी सरकार की तरफ से हटा करके ये कहा गया है कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं थी। अगर पुलिस की कोई गलती या पुलिस की कोई लापरवाही नहीं थी तो आखिरकार इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई, ये लगातार एक बहुत बड़ा मामला है। आप जानते होंगे ये हलफनामा जो है राज्य सरकार द्वारा वकील रुचेरा गोयल के माध्यम से उन मतलब जो है याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था जिन पर सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ के मामले में और इस संबंध में सुनवाई कर रहा है और इसी में ये हलफनामा दायर करके योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये दोष किसके ऊपर जाता है, अतीक और अशरफ को किसने खत्म किया है, इसमें लापरवाही किसकी रही है अगर योगी सरकार या उनके पुलिस वालों की नहीं है तो। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।